फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग और वेलकम टू विभावेश वर्ल्ड। आज है 14 फेब और कुछ लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं आज का दिन, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये दिन बहुत सैड है, क्योंकि आज ही के दिन 14 फरवरी को, अगर आप लोगों को याद हो, पुलवामा का वो अटैक हुआ था जिसमें हमने अपने आर्मी पर्सनल्स को खो दिया था। बहुत ढेर सारे आर्मी के जवान शहीद हुए थे, देश के लिए उन्होंने अपनी जीवन का बलिदान किया था। तो हम लोग वैलेंटाइंस डे जैसी वेस्टर्न चीज़ें हम नहीं मना रहे, हम लोग 14 फरवरी एक ब्लैक डे मना रहे हैं। और आज हम उन शहीदों को, उन जवानों को याद करेंगे जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी थी। और आज के ब्लॉग से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जैसे हमारे बीच में आर्मी के फैमिलीज रहती हैं, सिर्फ आर्मी के पर्सनल्स ही नहीं, आर्मी के फैमिलीज भी देश के लिए बहुत ढेर सारा बलिदान करती है। क्योंकि अगर आप देखें, उनके जो हस्बैंड्स, बेटे, भाई, ये सब लोग आर्मी में जो होते हैं, बहुत टाइम तक घर नहीं आते, लंबी लंबी ड्यूटीज़ पे रहते हैं, कश्मीर और राजस्थान, कहीं ठंड में, बहुत ज़्यादा गर्मी में रहते हैं। तो उन लोगों को भी सल्यूट है जो ऐसी फैमिलीज हैं जो अपने बेटे, अपने हस्बैंड, अपने भाइयों के बिना इतने टाइम तक रहते हैं। तो आज का दिन उन आर्मी पर्सनल्स और आर्मी फैमिलीज को सल्यूट। और अगेन, आज का दिन एक ब्लैक डे है, तो अगेन आई वोंट विश यू वैलेंटाइंस डे। हेलो दोस्तों, और आज के ब्लॉग की शुरुआत तो भावेश ने कर दी थी, मैं बस आगे वो कंटिन्यू कर रही हूँ। और अभी मैं सोच रही हूँ, कल एक्चुअली मंडे था तो भावेश गए थे मंडे मार्केट, वहाँ से काफ़ी ढेर सारे फ्रूट्स लेके आए, तो मैं सोच रही हूँ एक फ्रूट सैलेड बनाती हूँ, फ्रूट सैलेड या फ्रूट चाट समथिंग कुछ बनाती हूँ। और वो देखिए मेरे पीछे, सोचा था आज इसको नहलाएंगे पर टाइम ही नहीं मिला इसको नहलाने का बिल्कुल भी, तो इसलिए आज इसको नहीं नहलाया। और एक्चुअली पता है, 2-4 दिन से ना ठंड भी बहुत हो रही है, हवा बहुत चल रही है, तो इसलिए भी नहीं नहलाया, क्योंकि फिर ये धूप में बैठती नहीं है, फिर इसमें काफ़ी स्किन प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैंने कहा थोड़ा सा वेदर और अच्छा हो जाए तो इसको नहलाऊंगी। और अभी फ़िलहाल ये महारानी विक्टोरिया ऐसे सोई हुई है, देखिए इसको बहुत भयंकर की नींद आई हुई है, एक आंख से देख भी रही है। अगर मैं कहूंगी ना चलो तो खड़े हो जाएगी, चलो घूमने चले चले घूमने, ये देखिए ये मेरी गुम को घूमना होता है, इसको बस घूमना होता है। और इसको जो दो हमारी 2-4 कैट होती है ना, उनका खाना चोरी करके भी खाना होता है। बाकी तो ये मेरी बहुत अच्छी बच्ची है, मेरा बहुत प्यारा बच्चा है, बाकी से कुछ नहीं करना होता है, बस यही 2-3 काम है जो ये करना पसंद करती है ना मेरे बच्चे। तो चलिए जल्दी से बनाते हैं फ्रूट चाट, फिर आपको भी दिखाते हैं। और एक सक्सेस तो मिलाना आपको भूल ही गई, ये मिली है मेरे वन एंड ओनली सन से जो स्कूल से आ चुका है, से हाय। और अभी अभी जिसके बारे में हमें पता चला है कि उसके दांत पे कैविटी स्टार्ट हो गई है। कि कैविटी कैसे हुई आपके दांत में, बता दो कैसे हुई कैविटी, आगे से थोड़ना हुई है दांत के, अब डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, डॉक्टर लगाएगा सुई। ये दोस्तों इसको सारी कैविटी टॉफी खा के हुई है, क्योंकि ये काफी टॉफी खाता है, इसको चॉकलेट टॉफी और ये सब कुछ चाहिए खाने को, उसको मना भी करो तो भी जिद वही करता है खाने की। और ये एक बहुत बड़ा झूठ है, तो सबको पता है कि इसको मैं नहीं देती हूँ, ये सब ये दोनों बाप बेटे हैं खाने वाले, जिसका एग्जाम्पल कल वाले ब्लॉग में भी देखा होगा, गुलाब जामुन कौन खा रहा था। तो ये शूट कर रही थी इसलिए इसने अपना नहीं दिखाया, ये दो खाए। मैं वैसे मीठा बहुत कम खाती हूँ, मेरे को पसंद ही नहीं है ये सब, ये और ये। अब वो भी वैसे सीख गया, कहाँ गया वो भी वैसे सीख गया खाना, वो बदतमीजी था और उसके दांत में कैविटी हो गया, उसको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, इसको भी डॉक्टर को दिखाना, बदतमीजी दिखा करने लग गया पौधा पौधी के। ये कौन सा डांस है, ये कौन सा डांस है, चलो
तो फाइनली दोस्तों मेरा ये फ्रूट चाट जो है वो रेडी हो चुका है, अब इनको देती हूँ और हम सब मिलके खाते हैं इसको बैठ के, इंजॉय करते हैं। और दोस्तों हम लोग यहाँ बैठ गए और ये हमारा है फ्रूट सैलेड, जो भी हम इसको खाएंगे आपको बताएंगे कैसा है। आपने मैं से खाओ और गोनाश का मैंने अलग से दे रखा है। गोनाश बताओ कैसा है, बस थोड़ा फ्रूट्स कम हो गए। फ्रेंड्स मैं स्ट्रॉबेरी और कीवी भी लाऊंगा। मैंने गोनाश को अलग से दे रखा पर इसको हमारे में खाना है। क्या कर रहे हो वीडियो बना रही, देख रहे हो दोनों कैसे खा रहे हैं। दो चटोरे बैठ कर एक फ्रेम में दोनों, अरे वाह क्या लग रहे हैं। घर कैसा हो रहा है, ये क्या हो रहा है, मतलब ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है, ये क्या कह रहा है, ये दोस्तों घर पे अभी सब सोए हुए हैं, गौरान स्पेशली सब तो नहीं, गौरान सोया हुआ है और मैं निकल गई हूँ अपने वॉक के लिए क्योंकि आजकल मैं रोज वॉक पे जा रही हूँ रोज के रोज। हाँ आओ मेरा हीरो, कल कहाँ गया था तू है, कल कहाँ गया था, ये कहीं गया था फिर सुबह आ जाता है, सुबह आ जाता है, रात को खो गया था ये, रात को खो गया था कहाँ खोया था। डॉग के लिए गद्दी भी आ गई, गद्दी कौन लेके आया, अरे वाह मम्मी डांटेगी तुम्हारी, क्या कहेगी गद्दी क्यों लेके आए, हाँ अरे मम्मा से पूछ के आए, सही क्या, वेरी गुड, अब इसको सुला जाना उसमें ठीक है, अच्छे से घर बना के इसका ठीक है। चीटी ये दोस्तों ये यहाँ बैठी है और ये इसका इसका जो हस्बैंड है फियांसे वो वहां से उसको बुला रहा है, कह रहा आजा आजा हैप्पी वैलेंटाइन डे, कह रहा इससे जा बुला रहा हूँ तेरे को, वो देखो बुला रहा है वो, जल्दी जा जा, वो म्याऊं म्याऊं कर रहा है वहां से। तो फाइनली दोस्तों मैं घर पहुंच गई हूँ और मेरा बेटा सो के उठ चुका है और ये देखिए मेरे बच्चे, वो देखिए एक बिल्ली बैठी है, डॉगी है, बिल्ली डॉगी और एक वहां से म्याऊं म्याऊं कर रही है और एक मेरी छुपू ये है और एक ये भी आ गई मेरी गोनू परी और मेरी पुंचुरू, ओ मेरी पुंतुरू, ओ मेरी पुंतुरू, अरे मेरा बच्चा, ओए मेरा बच्चा, अरे मेरा बच्चा, चलो जाओ घूमने जाओ। दोस्तों जैसी वॉक करके अभी घर पहुंची थी, आपने देखा था गौरान जब सो के उठा था तो अब वो कह रहा है कि मुझे कुछ खाना है, अब मैं सोच रही हूँ मैंने मूंग भी खा रही थी तो जल्दी से उसके लिए मूंग दाल के अप्पे बना देती हूँ, तो चलिए आपको भी दिखाती हूँ। Thank you.
फाइनली दोस्तों मेरे अप्पे बन के बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। गौरांश को दे देती हूँ खाने के लिए। लो। हाँ बेटा लो ये यम्मी। मैंने आपके लिए वेरी गुड। लो मैंने आपके लिए छोटे मिनी मोमोज बना रखी। एक्चुअली मुझसे कह रहा था मोमोज खाने, तो मैंने कहा ये मोमोज बना रखे इंडियन। हाँ गर्म हो रहे हैं, धीरे धीरे खाना ठीक है। ओके ओके बेबी, मम्मा से ऐसे खाओ। आज का नया प्रॉमिस करना सीख रखा था पक्का प्रॉमिस। और धीरे धीरे खाना, गर्म हो रहा है फूफू करना ठीक है। ठीक है बेबी ओके खाओ एंजॉय करो। दोस्तों जरा भावेश से अपना वो ले लेती हूँ रिव्यू, कैसे बने हुए कैसे बने हुए। खा भी दिए, चाट चाट के खाया तो सोचो कैसे बने होंगे। सच में बहुत मस्त बने हैं, और मतलब वो मस्त बने नहीं बने नहीं, चटनी बहुत अच्छी हो रही है। मैंने मोमोज वाली चटनी बनाई है तो बहुत यम्मी हो रही है, एकदम स्पाइसी बहुत टेस्टी, खा के मजा आ रहा है। आपको दिखाती हूँ मोमोज वाली चटनी अपनी। तो ये देखिए ये मैंने बनाई थी, ये मैंने मोमोज वाली चटनी बना रखी है जो काफी यम हो रही है, मजा आ जा रहा है खा के। चलो चलो इनको भी खिला दिया, सबको खिला दिया, अब अपना खाती हूँ और चाय पीती हूँ। दोस्तों एक बार गौरांश से पूछती हूँ उसको और चाहिए क्या। गर और दे दूँ क्या है, और खाओ ये पहले, इसको तो फिनिश करो तभी तो दूंगी। और कैसे हो रहे ठीक हो रहे, खाए नहीं अभी पूरे, फिनिश नहीं करे, और चाहिए बस। एकदम मजे में आ रहा है देखो जरा। दोस्तों अभी अभी मम्मी और पापा आए हुए घर पे, और मैं आपको दिखाती हूँ कि वो आते क्या कर रहे हैं। ये देखिए मम्मी अपना फोन में लगी हुई है, पता नहीं क्या देख रही है, और वो देखिए पापा अपने फोन में लगे हुए हैं और वो पता नहीं क्या देख रहे हैं। मतलब दोनों के दोनों एक फ्रेम में आके, ये देखिए ये देखिए ये देखिए, अभी भी आपकी आवाज़ नहीं आ रही है क्योंकि आपका फोन इतना तेज बज रहा है, आपकी आवाज़ ही नहीं आएगी कुछ भी। तो ये दोनों देखिए कैसे लगे, एक उनका फोन बज रहा है, किधर दोनों ने कड़कड़ाहट बजा रखा, सुना ही नहीं। अब मिक्सी चला रही है, मिक्सी की आवाज इतनी तेज आ रही, मैं क्या करती है किसी की कहानी मैं भी सुन रही हूँ इसमें। अब दोस्तों मैं खाना बना रही थी ना, तो मेरी गलती तो है नहीं, खाना तो बनाना ही है। अब मिक्सी नहीं चलेगी तो क्या चलेगा। और ये देखिए ये लोग कैसे बैठ के फोन देख रहे हैं, ये कहानी सुन रही है, वो खाली ऐसी होता है, कुछ नहीं होता उसमें रियलिटी। और वो देखिए वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई आए जाए कहीं कुछ हो, और उनको तो पैसे ही फर्क नहीं पड़ता, वो तो कहते हैं मैं आता ही फोन देखने के लिए हूँ यहाँ, बस मुझे फोन देखने को नहीं मिल रहा है तो फोन देखने के लिए आए हैं। ये देखिए, और वो वहाँ मेरा बेटा टीवी देख रहा है, बस ये कहानी चल रही है सबकी। बागेश्वर धाम भी देख रहे हो, सब देखो। दोस्तों यहाँ पर अभी मम्मी पापा दोनों के दोनों जो है अपने 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 गंतव्य को जा रहे हैं। हाँ तो लड़के बहू के यहाँ जाना भी चाहिए, लड़के बहू के यहाँ जा रहे हैं हम। हाँ वही तो, अपनी पोती, अपनी पोती की याद आ गई। हम आप यहाँ पोता भी आपका, नाती भी आपका यहाँ एक। अभी मुझे आतिश में देखा। हाँ रोने लग जाती ना। हाँ चलो ठीक है, बाय बाय। तो फ्रेंड्स खाना पीना सब हो चुका है, डिनर कंप्लीट हो चुका है, और अब मैं व्लॉग को एडिट करने के लिए बैठ रहा हूँ। तो इसी के साथ मैं ये व्लॉग को एंड करता हूँ, और अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जैसा कि मैंने शायद पहले वीडियोज में भी कहा कि हमारे जो वीडियोस में वॉच तो आता है लेकिन उसमें सब्सक्राइब नहीं करते, जो भी ये चैनल को पहली बार देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, जिससे कि हमें थोड़ा सा और इनकरेजमेंट मिले और हम ऐसे ही आपके लिए रोज नए व्लॉग्स लेकर आते रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, और मिलते हैं कल के एक नए व्लॉग में।